हाउ कैन आई हेल्प यू मैम? वो मेरा फोन और वॉलेट फ्लाइट में ही रह गया है, प्लीज मुझे अंदर जाके लेकर आने दीजिए ना। मैम आई एम सॉरी, इट्स नॉट पॉसिबल, मैं आपकी इस वक्त कोई मदद नहीं कर सकती। दोबारा आप फ्लाइट पे जाएंगी तब ले लेना। Important announcement. Flight going to Hyderabad have been postponed till further announcement. Due to heavy rains, Hyderabad airport has been shut down. ये लो. Inconvenience is regretted. मैंने तुम्हें एयर होस्टेस से बात करते हुए सुन लिया। लो, घर पर फोन करो। अगर तुमने उन्हें फोन करके नहीं बताया तो वो लोग बेचारे एयरपोर्ट पहुंचेंगे और फिर उन्हें टेंशन होगा। That's not good. Okay, I'm sorry. मैंने जो भी किया बस तुम्हें चिढ़ाने के लिए किया, सिर्फ मस्ती में किया। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी। ठीक है, प्लीज। वैसे इसमें तुम्हारा नंबर सेव कर देना, जैसे ही हम हैदराबाद पहुंचेंगे मैं तुम्हें तंग करना शुरू करूंगा। तुम्हें लगा होगा मैं शरीफ हूं लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, हे आई वाज जस्ट किडिंग, मैं मजाक कर रहा था, जस्ट किडिंग, स्वेयर, प्रॉमिस, कर लो बात कर लो। देख किसका फोन, कोई अननोन नंबर। हेलो, कौन? गेस हू? ए प्रिया, कहाँ है तू? जानती है तेरा फोन कब से ट्राई कर रहा हूँ मैं? मेरा फोन फ्लाइट में रह गया भैया, वो एक लंबी कहानी है। मौसम खराब होने की वजह से फ्लाइट को गोवा लैंड करना पड़ा। ओ अच्छा, यहाँ कब तक आओगी? कुछ पता नहीं, थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। जल्दी आ जा, तुझसे मिलने के लिए बहुत दिल कर रहा है मेरा। मुझे भी जल्दी मिलना है, फ्लाइट टेक ऑफ होगी उससे पहले आपको फोन करूंगा। ओके प्रिया, ठीक है, लेकिन ये फोन नंबर किसका है? है कोई? हाँ बताना। मेरे पास वाले पैसेंजर का फोन है। कौन है वो? है एक इडियट। इडियट? बहुत ही बड़ा वाला इडियट। ठीक है, लेकिन दिखने में कैसा है? जवान है लेकिन अपनी बातों से दूसरों का दिमाग चाटता है। हेलो। अच्छा बाद में फोन करती हूँ। ओके बाय, टेक केयर। टेक केयर। थैंक्स। मैं दिमाग चाटता हूँ, मैं इडियट हूँ। ये ले सिगरेट। 3 साल बाद प्रिया घर आ रही है, आई एम सो हैप्पी। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। शिवा, हाँ? तेरे पापा का फोन। हेलो पापा। शिवा मैं बोल रही हूँ, लैंडलाइन फोन काम नहीं कर रहा इसीलिए तेरे पापा का फोन इस्तेमाल किया। कैसा है तू? प्रिया पहुँच गई क्या? नहीं माँ, प्रिया की फ्लाइट थोड़ी लेट हो गई है। आप घबराइए मत, वो आ जाएगी। मैं हूँ ना। ओके बेटा, गीता कैसी है? अब क्या बताऊँ माँ, मुझे औलाद नहीं हो रही इसका गम नहीं है, गम इस बात का है कि पिताजी साथ नहीं है। आपको देखे हुए 3 साल हो गए, पिताजी मुझसे अभी नाराज हैं क्या माँ? अपने ही बेटी की शादी में आप लोग मेहमान की तरह है। इतने सालों के बाद प्रिया आ रही है, आप दोनों भी आ जाइए ना, सबको एक साथ देखने का मन कर रहा है। सिर्फ 3 दिन की बात है, प्लीज माँ आप लोग खुद आकर देख लीजिए कि मैं बदला हूँ कि नहीं। तू बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं तेरे पापा को कैसे भी मना के वहां ले आऊंगी। ओके बाय बेटा। अरे ये क्या, कॉफी तो बना दो। खुद ही बना लो। इतने गुस्से में क्यों हो? गुस्सा मैं नहीं। हाँ? 3 सालों से अपने बेटे से नाराज हो, उसे देखा तक नहीं, लेकिन इसमें हमारी बहू का क्या कसूर है? उसे देखने एक बार चलो। तुम खुद चाहते थे ना कि शिवा में बदलाव आए, वो एक अच्छा इंसान बन जाए, तो हमें वहाँ चलना चाहिए और देखना चाहिए कि वो बदला है या पहले जैसा ही है। प्लीज शिवा के पास चलो, प्लीज। विजय सर, सैटरडे की हैदराबाद के लिए 2 टिकट बुक करा दो। अब तो खुश हो ना, कॉफी मिलेगी अब मुझे? हाँ बनाती है। हेलो मैडम, दैट्स माय कैब। क्या कहा? ये मेरी कैब है। No way. In every way that's my cab. सच कह रहा हूँ, it's my favorite cab. No. जरा cab के नीचे देखो, मेरा नाम लिखा है, राहुल, room number 125. देखो सीसी, इस पे लेबल लगा हुआ है।
देखो देखो राहुल 125 इट्स माय कैब। क्या हुआ? मतलब वो वहाँ पर तुम थे? वहाँ पर क्या 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 तुम वही हो? हाँ मैं वही। कौन? अरे बोलो ना, कम ऑन। कुछ नहीं, थैंक यू। दरअसल एयरपोर्ट आते वक्त मेरी कैब खो गई थी। एक्चुअली तुम्हें शौक है ना गिरी हुई चीजें उठाने का, मैं वही कर रहा था। जरा अपना बैग दिखाना। मेरा बैग क्यों? यहाँ आते वक्त मेरी कोक की बॉटल खो गई थी, शायद वो भी तुमने उठा लियो। दिखा। I'm Priya. Hello Priya, this is Rahul. तुम्हारा नाम सुना लग रहा है। सुना होगा। है ना? हाँ, मेरे नाम का आंटी राहुल सॉफ्टवेयर है ना, मार्केट में वहीं पे सुना होगा। प्रिया, योर कॉफी। थैंक्स। तो तुम अपने भाई से मिलने हैदराबाद जा रही हो? उनसे बहुत प्यार करती हो क्या? बहुत ज्यादा। यात्री कृपया ध्यान दें, हैदराबाद का रनवे अभी भी बंद है, इसलिए उड़ान भरने में अभी देरी है। हम अपने सभी यात्रियों के लिए खान पान की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। यू नो व्हाट, गोवा 3 बार। अच्छा, 3 बार आई हो? प्लान बनाया था, तीनों बार कैंसिल हो गया, और अब चौथी बार मैं गोवा एयरपोर्ट पर बैठी हूँ लेकिन बाहर नहीं जा सकती। हे प्रिया, चीयर अप, इस बार तुम गोवा देखोगी, वो भी इस डैशिंग लड़के की वजह से जिसका नाम है राहुल। राहुल, राहुल। टैन टैन। ऐसा क्या करोगे? फिलहाल एक कॉल करूंगा। मेरा तो मन कर रहा है मैं ही तुमसे शादी करूं। हेलो। ओए हीरो, क्या कर रहा है? साले पूछता है क्या कर रहा है, मुझे पता था तू एक नंबर का कमीना इंसान है। अबे 2 घंटे बाद मेरी शादी है। तुझे फोन किया, SMS भेजा, ईमेल से इनविटेशन तक भेज दिया, लेकिन फिर भी तू भूल गया। ओह शिट। बेशर्म कहीं का, तुझे तो अपना दोस्त बोलते हुए भी मुझे शर्म आती है। हे, आज तारीख क्या है? 14th। ओ महीना सितंबर, साल भी बताऊं? नहीं नहीं नहीं, शिट। क्या हुआ? तू फोन रख और इसके बाद मेरा नंबर डिलीट कर दे। चुप कर यार, नाराज तो मुझे तुझसे होना चाहिए। ए, लोगों को बस शादी के लिए इनवाइट करेगा या मेहमानों को लेने किसी को एयरपोर्ट भेजेगा? क्या कहा, मतलब तू गोवा आ गया है? और नहीं तो क्या, तुझे लगता है मेरी हैदराबाद की फ्लाइट डाइवर्ट हुई इसलिए आया? राहुल, 6 मिनट, 6 मिनट रुक, 10 मिनट में कार भेजता हूँ, जल्दी भेज, फोन रख। ओ गॉड, एग्जाम की टेंशन में इसकी शादी भूल गया, जय आंटी होती तो मार डालती। थैंक गॉड। ओके प्रिया, चलो शादी में जाना है। शादी में? देखो मुझे तो शादी में जाना ही है, तुम यहाँ बैठी बैठी बोर हो जाओगी। और प्रिया, गोवा की शादियों में जलसा होता है और फ्री दारू। वैसे मैं पीता नहीं हूँ, लेकिन तुम जितनी चाहो पी लेना, तुम्हारी मर्जी, ठीक है ना? चौथी बार गोवा देखने का तुम्हारा प्लान हिट होने वाला है मेरी वजह से। एंड आई प्रॉमिस यू अ वंडरफुल टाइम इन गोवा एंड बेस्ट बिहेवियर, आई प्रॉमिस यू। अब चलो। Trust me, come on. चलो यार। ओके। सिर्फ इसकी शादी के लिए आए हैं, मैं कभी इसकी शादी भूल सकता हूँ? हाउ प्रिया, हाउ कैन यू से दैट टू मी? चलना यार राहुल, अभी माफ कर देना। नहीं जानता तेरी इस बात से मेरे दिल के अंदर एक बॉम्ब फूटा है। बूम। अबे गुस्सा थूक देना यार, प्लीज, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ। सॉरी यार, आई एम सो सॉरी राहुल, प्लीज। ठीक है, आज तेरी शादी है इसलिए तुझे माफ करता हूँ, ठीक है? चल चल अंदर चल, आजा दुल्हन देख ले। जा जा जा, तू वापस चला जा। जया आंटी,
तुझे क्या लगा मैं तेरी बातों में आ जाऊंगी? जा जा, वापस जा, खड़ा क्यों है? आंटी, आप मुझे जाने को कह रही हैं? मैं यहाँ इसके लिए नहीं, आपके लिए आया आंटी। बस का पॉलिश करना कोई तुझसे सीखे तो वो नहीं सुधरेगा। क्या करूँगा, ये लड़की कौन है? ये मेरी वाइफ है प्रिया। क्या, क्या? क्या? तेरी वाइफ? तूने शादी कर ली बेटा? कौन को लेके चल? बहुत खूबसूरत है ये, अचानक शादी कैसे? जीती रहो, सदा सुहागन रहो। कितनी सुंदर है, कहीं इसे मेरी नजर ना लग जाए। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। आपको क्या, इसे भी यकीन नहीं हो रहा है? देखिए कितने शौक में है। कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था। मॉम को भी नहीं बताया आंटी? क्या आंटी, आंटी प्लीज आप ही उन्हें खबर दीजिए ना, प्लीज प्लीज प्लीज। प्रिया डोंट वरी, आंटी फुल सपोर्ट करेगी, ओके ना? ओके आंटी। अब मैं समझी कि तू इसे यहाँ क्यों लेके आया है। मैं नहीं, तुझे अच्छे से जानती हूँ। अरे धूप में क्यों खड़ी हो, अंदर चलो। आ जाओ। अरे सुनो, देखो ये राहुल की वाइफ। आंटी एक मिनट, मुझे राहुल से कुछ बात करनी है। अच्छा ठीक है चलो, बहुत सारे काम करने हैं। अरे सुन तो, मुझे अभी के अभी एयरपोर्ट जाना है। क्यों, क्या बात है? तुमने उस आंटी से ये क्यों कहा कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ? इतना ही ना, वो बाद में पता चलेगा क्यों। मुझे कुछ भी पता नहीं करना है। तुमने एयरपोर्ट पर क्या कहा था? कहा था कि तुम अच्छी तरह बिहेव करोगे। एयरपोर्ट पे और भी कुछ कहा था, गोवा में यू विल हैव अ वंडरफुल टाइम कहा था ना। उसका मेरी प्रॉब्लम से क्या कनेक्शन है? बस 10 मिनट के लिए रुक जाओ, पता चल जाएगा। अगर तब भी नहीं पता चला तो आंटी के पास जाकर उन्हें सब बता दो, ओके? जस्ट 1 आवर प्लीज प्रिया, बस 1 घंटा दो मुझे, प्लीज यार, प्लीज। सिर्फ 10 मिनट्स, ओके? ओके। 9:59, 58, 57, 56